असलम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल्स में बार बार दो तीन टर्म्स रिपीट हो रही हैं रिस्क है रिटर्न है इम्पेक्ट है हम थोड़ा सा इनके बारे में इस मॉड्यूल में बात करेंगे कि ये क्या हैं और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है ख़ास तौर पर सोशल इंटरप्राइज के हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि फाइनेंशियल रिटर्न चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ सोशल और इन्वामेंटल वैल्यू भी साथ चाहते हैं वो कोई होमोजेनस ग्रुप नहीं है वो कोई एक एंटीन नहीं है वो बहुत मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो हो सकते हैं उसमें फिल्म हो सकते हैं उसमें पब्लिक सेक्टर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर हो सकता है अब उसके अंदर फर्दर इन में से हर एक ग्रुप जो है उसके अंदर मुख्तु किस्म के इदारे हैं और मुख्तलिफ़ के इंडिविजुअल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें तो उसमें बैंक्स भी हैं उसमें माइक्रो फाइनेंसिंग करने वाले इदारे भी हैं उसमें पेंशन फंड्स भी हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं और अपने आ, आ, जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए रिटर्न या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये एक ही ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं इसी तरह फिलंथ्रापी को ले लीजिए फिलंथ्रापिस्ट इंडिविजुअल हो सकते हैं वन ऑफ़ हो सकते हैं कि एक दफ़ा कोई बड़ी सारी जो है किसी ने अपनी प्रॉपर्टी किसी ख़ास कॉज के लिए वक्फ कर दी या छोड़ दी वो कॉन्टीन्यूस हो सकते हैं कि अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा जो है वो देते रहते हैं मुख्तलिफ कॉज़ के लिए या किसी ख़ास काज के लिए उसमें फ़िलनथ्रापिस्ट ऑर्गेनाइजेशनस हो सकती हैं जिसमें ग्रांट और फेलोशिप्स देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडेशन्स शामिल हैं तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं और इसी तरह पब्लिक सेक्टर जो है वो ग्रांट्स हो सकती हैं जो कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ कोजेस के लिए देते हैं तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं और वो सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके क्या कंसर्नस हो सकते हैं उनके अमूमा तीन कंसर्न होते हैं एक इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या होगा यानी हर डॉलर या हर रुपया जो वो सोशल कॉज के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर को दे रहे हैं खर्च कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उन्हें कितना मुनाफा होगा कितना रिटर्न मिलेगा आखिर वो उस पर किसी फ़ायदे के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ना? अब जो इंडिविजुअल डोनर है वन ऑफ डोनर है फिलम्थ्रॉपस्ट है उसके लिए रिटर्न के मानी हो सकता है उसकी जो कोई कॉज़ था जो उसके दिल के करीब था जिसके लिए उसने पैसे दिए हैं अपनी जायदाद दी है या फंडिंग की है डोनेशन दिया है उसके लिए रिटर्न बस यही हो कि वो कॉज अचीव हो जाए वो सोशल प्रॉब्लम दूर हो जाए वो मसला हल हो जाए और माशरे का कोई ख़ास हिस्सा लोग या पूरा माशरा जो है वो बेहतर हो जाए उसके वज़ा भी एक कमर्शल इन्वेस्टर जो है उसके लिए हो सकता है इम्पोटेंट हो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसकी एक्टिविटीज़ हों या वो कुछ ऐसा करे कि वो मुशरे में कॉन्ट्रीब्यूट कर सके लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल रिटर्न जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और एक कम अज़ कम मार्केट रेट तो उसको मिलना चाहिए ना कि अगर वो सोशल एंटरप्रेन्योर की बजाय किसी और जगह पर वो पैसे इन्वेस्ट करता है तो जो रेट उसे रिटर्न का आना है क्या यहाँ से भी उसे वही आएगा तो ये मुख्तलफ़ प्रायोरिटीज़ हैं मुख्तलिफ तरजीहात हैं मुख्तलिफ़ इन्वेस्टर्स की पेंशन फंड्स जो हैं वो एक क्लासिकल एग्जांपल हैं पेंशन फंड्स यूजुअली हर कॉज के लिए हर मसले के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो प्योरली फॉर प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी फंडिंग नहीं करते अमूमन कुछ पॉलिसी ऑब्जेक्टिवस होते हैं ख़ास तौर पर अगर पब्लिक सेक्टर में पेंशन है तो गवर्नमेंट कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है जहाँ पर वो उस इन्वेस्टमेंट को करती है वो किसी फैक्ट्री को किसी बैंक को वो पैसे नहीं देते कि उससे उनको रिटर्न आ जाएगा तो ये अब रिटर्न की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं जो मुख्तफ इन्वेस्टर्स के लिए मुख्तफ हैं रिस्क और रिटर्न जो हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं रिस्क का मतलब है कि इन्वेस्टर जो है उसने जो पैसे लगाए हैं जो वो पैसे सोशल एंटरप्रेन्योर को दे रहा है किसी एक्टिविटी के लिए उसके वापस आने में क्या रिस्क है कि कितना इम्कान है कि वो खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाएंगे या जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं का वो काज की अकम्पलिशमेंट हो का वो प्रॉफिट हो या वो कोई पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हो कि क्या चांस है कि वो अचीव नहीं होगा तो रिस्क और रिटर्न आपस में नेगेटिवली रिलेटेड हैं रिस्क अगर इंक्रीज होता है तो रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर रिस्क डिक्रीज होता है तो रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाता है कॉमन सेंस की बात है लेकिन इसको अचीव करना ख़ास तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत मुश्किल है बाज़ात कोई ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं जो मार्केट्स सिर्फ इसलिए जिनमें इन्वेस्ट नहीं करती जिसमें काम नहीं करती कि वो हाई रिस्क होते हैं लेकिन अगर वो उस सोशल एंटरप्रेन्योर उस मसले को हल करने में कामयाब हो जाए तो रिटर्न भी हाई होता है यानी वो जो मार्केट का ट्रेडिशनल रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है वो एक तरह से चैलेंज हो जाता है लेकिन हायर द रिस्क और उसमें आपका ज़ाहिर है आपको नर्व्स भी चाहिए आपको सिक्योरिटी भी चाहिए पेंशन फंड्स जो हैं फॉर एग्जांपल, वो हायर रिस्क इनिशिएटिव्स में पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो किसी और के पैसे हैं वो रिटायरीज के पैसे हैं जो उन्हें वापस करने हैं उनकी पेंशनस टाइम पर देनी है लोगों के घर चलते हैं उन पैसों से तो वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते का उस पर कितना ही ज़्यादा कामयाबी की सूरत में रिटर्न आने का इम्कान हो लेकिन अगर कमर्शियल इन्वेस्टर है और वो एक समझता है कि रिस्क तो है लेकिन उसके साथ रिटर्न के चांसेस भी हायर हैं अगर कामयाब हो गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा तो प्रोबेबली वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा ख़ास तौर पर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर जिसका एक बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट्स का उसने मुख्तफ़ जगहों पर मुख्तफ चीज़ों में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो एक जगह आप कह सकते हैं कि गैम्बल कर सकता है कि अगर ये कामयाब हो गया तो सोशल इम्पेक्ट तो आएगा ही एनवायरमेंटल इम्पेक्ट तो आएगा ही मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपस में रिस्क और रिटर्न के साथ जब इम्पेक्ट एड होता है तो पूरा एक सिनेरियो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का डिटरमिन करते हैं अब एक आम इन्वेस्टर ख़ास तौर पर एक कमर्शियल इन्वेस्टर या एक लोन देने वाला अदारा या एक बैंक या एक पेंशन फंड जो है उसको रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप तो समझ आता है उसको वो अगर बहुत एक्यूरेटली नहीं तो रफली कैलकुलेट कर सकता है लेकिन जब उस इक्वेशन के अंदर इम्पेक्ट डाला जाए और उसमें तीन तरह का इम्पेक्ट जिसको हम ट्रिपल बॉटम लाइन कहते हैं ना सिर्फ फाइनेंशियल इम्पेक्ट है बल्कि सोशल इम्पेक्ट है जिसको बाजूक मोनिटाइज करना मुश्किल हो जाता है आप कह ही नहीं सकते कि इस पर कितना रिटर्न आया है कितना इम्पेक्ट हुआ है मसलन सेहतमंद बच्चे एक अच्छी खुशहाल कम्युनिटी ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप इम्पेक्ट को मेजर जो है क्वांटिफाई करके नहीं कर सकते इसी तरह इन्वामेंटल इम्पेक्ट है बाज़ात एक वक्त में एक जनरेशन जो है वो इन्वेस्ट करती है और इम्पेक्ट जाके दूसरी जनरेशन के टाइम पर आता है तो ऐसे में जिस जनरेशन ने इन्वेस्ट किया है वो इम्पेक्ट को किस तरह मोनेटाइज करेगी किस तरह मेजर करेगी किस तरह एंटिसिपेट करेगी ये वो इश्यूज हैं ये वो तीन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बाकी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से या फार प्रॉफिट मार्केट से एक अलग यूनिक कैरेक्टर देता है रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप अमूमन वही रहता है जो कि एक वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मार्केट में है लेकिन बाजुका चेंज भी हो जाता है और जब उस इक्वेशन के अंदर इम्पेक्ट को डाला जाता है खास तौर पर सोशल और एनवायरमेंटल इम्पेक्ट तो ये रेशो और ये रिलेशनशिप जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है इन्वेस्टर्स एज वेल एज सोशल एंटरप्रेन्योर दोनों को इस इक्वेशन को इस रिलेशनशिप को समझने और एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है थैंक यू